आरोप प्रत्यारोप की सियासत आपने देख ली, अब कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। हटिया डैम में लगभग 15 दिन का पानी ही बचा हुआ है, उसके बाद तो ऊपर वाला ही मालिक है। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने डैम का निरीक्षण किया, क्या कुछ नजर आया इस रिपोर्ट में देखिए। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर एक बार फिर हटिया डैम का निरीक्षण करने पहुंचे। डैम में पानी के भंडारण की स्थिति को देखकर वो चिंतित जरूर हुए। अधिकारियों के दलबल ने उन्हें बताया कि अभी लगभग एक पखवाड़े तक चिंता की बात नहीं है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर अधिकारियों की बातों से आश्वस्त हो गए। उन्होंने कहा कि उनका विभाग वैकल्पिक इंतजाम पर भी नजर रखे हुए है और नागफेरी से यहाँ पानी लाकर और हटिया डैम के जलस्तर को कायम रखने का एक योजना है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैंने निर्देश दिया है कि उस पर भी तेजी से काम हो, उसका भी एक DPR बनवाया जाए और क्या वायबिलिटी है कि हम वहाँ से पानी लाएंगे तो हमें यहाँ कितना पानी मिल पाएगा, कितना लोगों को इसका आम जन को ये के अनुपात में जो खर्च होगा उसके अनुपात में कितना लाभ मिल पाएगा आम जनता को, इस पर हम निर्णय करके और हमारी योजना है कि नागफेनी से भी हम यहाँ पानी लाए। हटिया डैम में जहाँ पंप चलता है वहाँ जल स्तर काफी कम है। मंत्री ने दूसरे क्षेत्र का भी भ्रमण किया जो इसका कैचमेंट एरिया कहलाता है। रिंग रोड के कारण क्या इसके स्रोत बाधित हुए हैं ये भी जानने की कोशिश की। मंत्री ने ये कहा कि डैम में पानी नहीं होने का मुख्य कारण इस क्षेत्र में बारिश का कम होना है। देखिए, ये तो किसी तरह से रिंग रोड तो किसी तरह से बाधक नहीं लगा मुझे, अभी जो मैंने निरीक्षण किया रिंग रोड तो किसी तरह से बाधक नहीं लगा, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण नगड़ी और रातू एरिया में बारिश का कम होना, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ तो रेखा नदी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ वो लगता ही नहीं है कि कोई ये नदी रहा होगा कभी, और मुझे मुख्य कारण यही लग रहा है अभी। हटिया डैम की स्थिति इतनी खराब क्यों है, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि 4-5 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जानी चाहिए और उसके बाद उस रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मंत्री ने इस कैचमेंट एरिया का निरीक्षण किया और हालत चिंताजनक है। जिस प्रकार से पानी का जो वॉल्यूम घट रहा है उसे देखकर वो भी चिंतित हुए, अब इसका निदान खोजने की कोशिश हो रही है। कैमरामैन हेमंत के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। तो फिलहाल बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, पर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे।